Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at Aquarium Prime, located at Jaipur in Rajasthan. पिछले साल हमने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फ्लावर ऑन फिश गाइड बनाई थी, जिस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था. अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट. तो इस वीडियो में हमने सोचा, मेरे इस विजिट में क्यों ना हम वैसी एक इन्फॉर्मेशनल गाइड बनाएं डिस्कस फिश के ऊपर, क्योंकि डिस्कस फिश के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, डाउट्स है कि डिस्कस फिश रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि इसके वाटर कंडीशंस, वाटर पैरामीटर्स बहुत हार्ड है मेंटेन करना. तो इसी पर हम रोशनी डालेंगे और ये सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओनर ऑफ एक्वेरियम प्राइम जयपुर. तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक. मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी डाउट्स है डिस्कस फिश कीपिंग के रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएगी, और अगर आपको भी डिस्कस फिश रखना है तो आप ज़रूर सक्सेसफुली, प्रॉपरली, राइटफुली डिस्कस फिश रख पाओगे. लेट्स मीट विद द ओनर ऑफ एक्वेरियम प्राइम. हमारे साथ फिर एक बार है अभिषेक सर. नमस्ते अभिषेक सर. तो कल मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पर जयपुर राजस्थान में, और आज मेरा सेकेंड डे है. तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया जाए. जिस तरह से हमने पिछले साल फ्लावर ऑन फिश के ऊपर एक बढ़िया सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया हमारे व्यूवर्स से, तो दिस टाइम वी थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन डिस्कस फिश. और मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि मैं विंटर सीजन में फर्स्ट टाइम आया हूँ राजस्थान में, एंड अभी का मैं आपको टेम्परेचर दिखाना चाहूँगा. इट्स 15 डिग्रीज हियर इन राजस्थान, बट आपके सामने आप डिस्कस फिश देख सकते हो, एकदम प्रॉपर कंडीशन में है, वेल सेट है. तो सर, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आई एम श्योर इट वुड डेफिनेटली गोना हेल्प द फर्स्ट टाइम कीपर्स एंड द बिगिनर डिस्कस कीपर्स. तो कई सारे हॉबीज ने मुझे कहा था कि उनको डिस्कस फिश रखनी है, बट वो अभी भी डरते हैं एंड स्टिल उनके मन में एक डाउट है कि क्या वो रख पाएंगे कि नहीं. एंड वाकई में ऐसा है, कई लोग को ऐसा लगता है कि डिस्कस फिश बड़ी सेंसिटिव होती है, इसे प्रॉपर वाटर कंडीशंस लगते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर लगता है, अगर वो सब हम नहीं कर सके तो डिस्कस फिश हम नहीं रख सकते, या मे बी मोर्टेलिटी भी हो सकती है. सो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है डिस्कस फिश के अराउंड. कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डाउट है और ये डर है कि डिस्कस फिश नहीं रह पाती है, इसे हम ईजिली नहीं रख सकते, और ये डेफिनेटली एक बिगिनर फिश नहीं है. तो इसी डाउट को सॉल्व करते हुए हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे, इस पर्पज़ के साथ बना रहे, ताकि और लोग डिस्कस फिश रखें, और जिनको भी ऐसा लगता है कि डिस्कस फिश रखना डिफ़िकल्ट है उनके मन से ये डाउट निकल जाए. सो विथ योर हेल्प, विथ योर एडवाइस एंड विथ योर गाइडेंस विल स्टार्ट दिस वीडियो. एंड मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आपकी वैल्यूएबल गाइडेंस हमारे साथ शेयर करें, और जैसे आपने इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में डिस्कस फिश को एकदम मस्त तरीके से रखा है, तो आपकी एक्सपर्टीज शेयर करके हमारे सारे हॉबीज को भी आप कुछ ऐसा बताएं ताकि वो भी डिस्कस फिश रख पाए बड़े आसानी से. जी थैंक यू सो मच आपका. पहले तो आप तीसरी बार यहाँ पे हमारे पास पधारे हैं, आए हैं, और वही आपने जैसा कहा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं अभी जयपुर के अंदर. इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं. यहाँ दिन में 15 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, रात को लगा लीजिए 4 से 5 डिग्री तक भी गिर जाता है. तो जाहिर सी बात है, ऐसे वेदर कंडीशंस में, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस बहुत है, या तो बहुत हाई चले जाते हैं समर्स में, या बहुत लो चले जाते हैं विंटर्स में, फ़िश कीपिंग थोड़ा हार्ड तो हो जाता है. लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो आप, और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इतना कोई महंगा भी नहीं है. सर्दी है तो हीटर लगा लो, 500 रुपये के अंदर अंदर आपको अच्छा हीटर मिल जाएगा जो आपको चाहिए, तो आपका विंटर्स वाला काम हो जाता है. हाँ, डिटेल में डिस्कस के ऊपर आज हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा. बहुत लोग जो है मुझे कहते हैं कि यार डिस्कस जो है, डिस्कस कीपिंग बहुत हार्ड है, और डिस्कस को वाटर पैरामीटर्स बहुत एग्जैक्ट चाहिए, उनका टेम्परेचर बहुत परफेक्ट होना चाहिए, पीएच बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हार्डनेस लेवल बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तो ही आप रखो. अदरवाइज डिस्कस, क्योंकि ऑब्वियसली आती भी महंगी है, तो इतनी एक्सपेंसिव फिश को अगर हम ढंग से नहीं रखते हैं तो ऑब्वियसली आगे चल के आपको एक, आपका पैट का लॉस तो होता ही होता है, मॉनिटरी लॉस भी होता है. तो आज थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना इसको बताने के लिए, क्यों कैसे हम यहाँ ऐसे कंडीशंस में यहाँ रख पा रहे हैं
मैं आपको वाटर पैरामीटर्स भी बताऊंगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी बताऊंगा, पीएच भी बताऊंगा, और क्यों यहाँ पे ये अच्छे से रह रही हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो सर, डिस्कस फिश की ये गाइड शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें डिस्कस फिश के बारे में कुछ बताएं, जैसे डिस्कस फिश की ओरिजिन क्या है, डिस्कस फिश कहाँ पाई जाती है, डिस्कस फिश का बिहेवियर कैसा होता है। जी सर, तो जो डिस्कस फिश है वो ओरिजिनेट होती है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अमेज़ॉन नदी की ये मछली है। अगर इसकी फैमिली की बात करें, स्पीशीज़ की बात करें, तो ये एक सिक्लिड फैमिली से बिलोंग करती है, और ये स्लो मूवर है। इसका जो स्विमिंग पैटर्न है वो बहुत काम और कंपोज्ड है। ये थोड़ी सी फिनिकी ईटर भी कह सकते हैं इसको, बहुत चूजी है अपने खाने के मामले में, और कुछ एक इसी तरह के जो सिमिलर बिहेवियर पैटर्न के जो अदर फिशेज हैं उनके साथ ये रह सकती है। तो सर, यहाँ राजस्थान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और क्योंकि मैंने खुद ने ये दोनों सीजन्स एक्सपीरियंस भी किए हैं, मैं समर में भी आपके पास आया हूँ और अब विंटर्स में भी अब आ गया हूँ, तो दोनों वेदर कंडीशंस मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। तो जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि पीएच और वाटर का हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो वेदर कंडीशंस तो है ही, उसके साथ में ये एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस भी हैं, तो ये दोनों कैसे आप मैनेज कर पाते हो? एक तो हो गया वेदर कंडीशन और दूसरा हो गया ये एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस, तो ये प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं जवाब देना चाहूँगा टेम्परेचर वाला, कि इतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर्स हैं उनमें हम लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। उसका जवाब ये है, विंटर्स हैं तो सिंपल सॉल्यूशन है, एक हीटर इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, जितना टैंक साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको जितना वॉट का लगे, जितना कैपेसिटी का लगे, एक हीटर लगा ही लीजिए। वो आपका टेम्परेचर को ठंडा नहीं होने देगा, वाटर का हमेशा मेंटेन रखेगा। टेम्परेचर जो रेंज डिस्कस को चाहिए वो चाहिए 28 से 30 डिग्री, 28 to 30, उसमें वो बहुत अच्छे से थ्राइव करती हैं, ठीक है। अब आते हैं गर्मियों के टाइम पे क्या करें। गर्मियों में जबकि यहाँ का टेम्परेचर बाहर का 50 डिग्री तक भी चले जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? देखिए, इसके दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है जो कि इकोनॉमिकल भी है, वो है एयर कूलिंग। एयर कूलिंग क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है रूम में, तो आप एयर कूलिंग के द्वारा आजकल बहुत सारे एक्वेरियम कूलर्स, फैन वाले कूलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो एक बहुत सस्ता ऑप्शन है। आपको उसको टैंक के ऊपर इंस्टॉल करना है, तो जो एयर फ्लो होता है उससे एंडोथर्मिक प्रोसेस की वजह से पानी जो है, पानी का टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक एसी लगा लीजिए, और उससे भी अगर आप ज़्यादा, अगर आपके इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आप एक चिलर लगा लीजिए, जिससे कि पानी का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री बना रहेगा। दूसरा सवाल जो आपका था वो ये है कि पानी का जो वाटर पैरामीटर से, जो पानी की केमिस्ट्री है, यानी वो आपका TDS बहुत हाई है यहाँ पे, मेरा 300 के भी प्लस TDS है, मैं कह सकता हूँ अभी 400 का TDS रहेगा, और pH भी बहुत हाई है, तो कहते तो ये हैं कि डिस्कस तो इसमें चलनी ही नहीं चाहिए। इसका जवाब ये है, ये डिस्कस जब हमारे पास आती हैं, तो चाहे ये कहीं से भी आएँ, इन्हें हम पहले टेम्परेचर एक्लिमेटाइज करते हैं, उसके बाद ड्रिप एक्लिमेटाइज करते हैं, जिससे कि बहुत स्लोली स्लोली जो है ये नए पानी को इनके पुराने पानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो आपका नया जो वाटर केमिस्ट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर भी है और बहुत ज़्यादा हाई पीएच भी है, उसमें धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो जाती हैं, और फिर इन्हें हम लोग उस एनवायरनमेंट में इनको रखते हैं। फिर 7 days तक हम लोग इनको वॉच करते हैं, देखते हैं, इनका बिहेवियर देखते हैं। एक मिथ जो है,
वो ये है कि अगर ये पैरामीटर मैच नहीं हुए तो आप रख नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए डिस्कस आपको पालनी है, आपको इनको रखना है, इनको ब्रीड नहीं करना है। ये जो पैरामीटर्स हैं 6.5 पीएच होना चाहिए, 100 से नीचे टीडीएस होना चाहिए, ये इस ब्रीडिंग के लिए है। ब्रीडिंग करानी है तो आप वो पैरामीटर्स पे जाइए, अदरवाइज रेजिंग करनी है, रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे यहाँ हमारे स्टोर पे हम एक्वेरियम प्राइम में डिस्कस को भी इस हार्ड वाटर कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल कंडीशन करके ही सेल करते हैं हमारे कस्टमर्स को। तो सर जैसे 2 फीट के टैंक के लिए 200 वॉट्स का हीटर रेकमेंडेड होता है, बट जैसे कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स होते हैं जहाँ पर वेदर कंडीशंस बिलो 5 डिग्रीज हो जाती है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा अगर वहाँ के हॉबिस्ट को ऐसा डाउट रहेगा तो अगर 10 के नीचे 5 के नीचे चला जाता है तो क्या ये 200 वॉट का हीटर उस 2 फीट के टैंक के लिए सफिशिएंट होता है? क्या वो बराबर टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है जो अपने फिश के लिए चाहिए या जो हमने सेट किया हुआ है, या वहाँ पर हमको और ज़्यादा रेंज का हीटर लेना पड़ेगा या ज़्यादा वॉट्स का हीटर लेना पड़ेगा या और एक लगाना पड़ेगा? मतलब एक टैंक में क्या 2 हीटर्स हमको लगाना पड़ेंगे? और उसी के साथ में बताना चाहूँगा जैसे कि बहुत सारे कन्वीनियंट हीटर्स जो होते हैं और मार्केट में पॉपुलर हीटर्स होते हैं, ग्लास हीटर्स होते हैं और एक मेटल हीटर्स भी आते हैं, तो उसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है और बोलते हैं कि सेफ जो होता है वो मेटल वाला होता है बिकॉज ग्लास कैन ब्रेक एनी टाइम अगर बहुत कंटिन्यूसली हम यूसेज कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी एक आप अगर बताना चाहे कि कौन सा बेटर है, क्या ग्लास वाला भी सेफ है? मेटल तो है ही बेस्ट, बट क्या ग्लास भी सेफ है? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन रहता है, यानी दिन में अभी आपने देखा हमारे यहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर है, रात को 5-7 डिग्री भी चले जाता है, तो मतलब हम कौन सा टेम्परेचर को पकड़ें और अकॉर्डिंगली एक्ट करें? आपको सर वो जो आपके मोबाइल में टेम्परेचर दिखाता है वो टेम्परेचर बाहर का है, ओपन एरिया का टेम्परेचर है, वो आपके रूम का टेम्परेचर नहीं है। आपको हीटर का चॉइस करना है आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, नंबर वन। नंबर टू, रूम का टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा कि अभी रात में तो 5 डिग्री हो गया और दिन में 15 डिग्री हो गया। इतना वेरिएशन रूम में क्यों नहीं होता? क्योंकि रूम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है। तो आपका रूम का टेम्परेचर का एक एवरेज लीजिए, सपोज़ वो आपका एवरेज आता है फॉर एग्जांपल 18 डिग्रीज या 20 डिग्रीज, जो कि नॉर्मली रूम में रहता है, इससे नीचे यहाँ नहीं जाता। तो उसके हिसाब से आपको आपका टैंक साइज़ कितने कैपेसिटी का है, 300 लीटर का है, 200 लीटर का है, अकॉर्डिंगली आप हीटर का चॉइस कीजिए। और रही बात ग्लास हीटर या मेटल हीटर्स या स्टील हीटर्स, तो डेफिनेटली जो मेटल हीटर्स हैं वो बेटर हैं। रीज़न यही है कि ग्लास चूँकि एक संभावना रहती है कि ग्लास या तो कोई इम्पैक्ट से टूट जाए, नंबर टू ये संभावना रहती है कि आपने वाटर चेंज किया, चूँकि कांच गर्म है और आपने अगर ठंडा पानी उस पर चला गया तो भी वो ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से स्टील हीटर्स थोड़े महंगे तो आते हैं, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल द रेट ऑफ ग्लास हीटर, बट दे आर बेटर। तो सर चलते अभी हमारे वीडियो के अगले पार्ट के तरफ। तो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की और आपने बड़ी अच्छे से हमको बताया भी। तो मान लीजिए अगर एक हॉबीस्ट शॉप से डिस्कस खरीदता है, लेकर आता है, एक्लिमेटाइज वगैरह सब प्रॉपरली कर लिया, रख दिया, टीडीएस देख लिया, हार्डनेस देख लिया, सब कुछ देखकर रखता है, तो बेसिक्स ऑफ डिस्कस फिश कीपिंग क्या है और कैसे राइटफुली आगे उसे, अब जैसे आज रख रहा है वैसे वो कल भी वैसा ही रखे और वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेनेंस उसका सही से रहे, तो उसके बारे में सर आप क्या बताना चाहोगे हमको? देखिए सबसे बड़े दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ध्यान रखने ही रखने हैं। नंबर वन, फिल्ट्रेशन।
डिस्कस को फिल्ट्रेशन अच्छा चाहिए ही चाहिए। अब फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, डिस्कस में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। अगर हम इस टैंक की बात करें तो इस टैंक में सम फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप सम फिल्टर नहीं लगाना चाहते तो आप एक कैनिस्टर फिल्टर लगाइए। अगर आप कैनिस्टर फिल्टर नहीं लगाना चाहते, आपके पास ऐसा टैंक है जिसमें टॉप फिल्टर है, टॉप फिल्टर आप लगाइए। लेकिन उस टॉप फिल्टर में स्पॉन्ज के अलावा बायोमीडिया भी होना चाहिए। तो सबसे अहम पॉइंट कि फिल्ट्रेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, वो मैकेनिकल भी होना चाहिए और बायोलॉजिकल भी होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट वाटर चेंज। डिस्कस को क्लीन वाटर पसंद है। आप दूसरे फिशेस की तरह हफ्ते में या 15 दिन में इसका वाटर चेंज नहीं कर सकते। इसको पानी रोज ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 10% पानी चेंज करना है। ये दो बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये ध्यान में रखते हैं डिस्कस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ 10% वाटर चेंज करना है, जितना पानी उसका 10% कैलकुलेट कीजिए, निकाल दीजिए, नया 10% भर दीजिए। आपको कोई फिल्टर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़। आपको हफ्ते में भी फिल्टर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सम फिल्टर है या कैनिस्टर फिल्टर है। जब तक फिल्टर क्लॉग ना हो या जब तक ओवरफ्लो ना हो, उसे क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब, और वो ये है कि डिस्कस को रखने के लिए मिनिमम फिश टैंक साइज क्या होनी चाहिए और कितने नंबर ऑफ डिस्कस फिश हम उस टैंक साइज में रख सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस फिश टैंक में आपने ड्रिफ्ट फूड डाला है, तो क्या रीज़न है इस ड्रिफ्ट फूड का इस फिश टैंक में डालने के पीछे, और सेटअप के बारे में भी बता दीजिए कि ड्रिफ्ट फूड की क्या इम्पोर्टेंस है डिस्कस फिश टैंक सेटअप में, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आर्टिफिशियल डेकोर आइटम्स, अगर हम डिस्कस फिश के टैंक में ऐसे नेचुरल चीज़ें डालें तो क्या बेनिफिट है डिस्कस फिश को उस चीज़ से। जी सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और मैं इसका जवाब दूंगा आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट से, जो कि आपने पूछा कि टैंक का साइज़ कितना होना चाहिए। देखिए, डिस्कस कीपिंग के लिए मिनिमम टैंक साइज़ 3 फीट होना चाहिए। 3 फीट से छोटा टैंक साइज़ में डिस्कस रखना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं वाटर चेंजेस के टाइम पे या कुछ मेडिकेशन या वाटर कंडीशनिंग के टाइम पे। तो आप 3 फीट से छोटा टैंक ना लें, ठीक है, नंबर वन। जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कितने नंबर ऑफ डिस्कस हम रख सकते हैं, देखिए डिस्कस का जो बिहेवियर है या डिस्कस का जो बेसिकली जो रहने का तरीका वो एक स्कूलिंग फिश है। लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 डिस्कस लेके आते हैं और 2 डिस्कस छोड़ते हैं और उनको फिर लगता है कि ये डिस्कस एक कोने में छुप गई, दूसरी डिस्कस दूसरे कोने में छिप गई, हमारी डिस्कस तो घूम ही नहीं रही सर, आपकी तो घूमती रहती है। उसका कारण ही ये है सर कि डिस्कस स्कूलिंग फिश है, वो आप कम से कम 8 से 10 डिस्कस रखोगे तो ही वो आपको घूमती हुई दिखेगी, अदरवाइज वो कोनों में छुपी हुई दिखेगी, स्ट्रेस्ड दिखेगी आपको। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि 8 से 10 डिस्कस एक साथ ही रखें, उससे कम मात्रा में आप डिस्कस ना रखें। और देखिए क्या होता है कि जो वाटर पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको कैसे वाटर पैरामीटर्स चाहिए रहते हैं, उनमें से क्या है कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वुड क्यों हैं, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हम आ जाते हैं सेटअप पे। सेटअप जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा है। ये जैसा आप सेटअप देख रहे हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, बेयर बॉटम और एक ड्रिफ्ट वुड का बड़ा सा पीस पड़ा हुआ है। इससे मुझे 2 फायदे मिलते हैं और आप भी ये 2 फायदे ले सकते हैं। पहला, बेयर बॉटम होने की वजह से टैंक का जो बॉटम है वो क्लीन रहेगा हमेशा।
ठीक है, आप चाहें तो आप कोई सबस्ट्रेट ऐड कर सकते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो आपकी चॉइस है, बट आपका जो मेंटेनेंस पार्ट है उसको क्लीनिंग का, वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसको साइफन करना और सब चीज़ें करना वो बढ़ जाती हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वुड, ये जो नेचुरली हम लोग ने यहाँ पे रखी हुई है, आप कोई नेचुरल रॉक भी रख सकते हैं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वुड का क्या मेजर रीज़न है, देखिए ये फिश जहाँ से आती है वहाँ का वाटर ऐसा क्रिस्टल क्लियर इस तरह का नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसमें एक हल्का टिंट रहता है, वो टिंट आता है टैन से, वुड टैन। टैन वाटर इनको बहुत पसंद है, ड्रिफ्ट वुड से स्लाइटली एसिडिक रहता है आपका वाटर, तो आपको पीएच को जो रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, और वो जो टैन निकलता है वो इनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। तो दो फायदे इससे होते हैं नेचुरल सेटअप से। तो फीडिंग की अगर बात करें तो आपने इंट्रो में ही कहा था कि डिस्कस फिश सिलेक्टिव फिश फूड एक्सेप्ट करती है, वैरायटी का फिश फूड नहीं लेती है, तो क्या राइट फिश फूड है इनके लिए? और साथ ही मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जैसे हम फ्लावरॉन की डीवर्मिंग करते हैं वैसे क्या इनको भी डीवर्मिंग करना आवश्यक होता है, और क्या कितने टाइम स्पैन में इनकी डीवर्मिंग करनी चाहिए? जी सर, इसकी भी मैं इस सवाल का जवाब भी मैं आपको एक छोटे से जो भ्रांतियां हैं उससे ही आपको चालू करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिस्कस इम्पोर्टेड फूड ही खाएगी, आप यहाँ का कोई ब्रांड का खाना खिलाओगे तो खाएगी नहीं, वो पुराने ज़माने की बात हो गई है। अभी यहाँ पे भी ऐसे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं मेक इन इंडिया, आपके इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप कोशिश कीजिए कि ऐसे अच्छे और पॉपुलर ब्रांड्स जो दावा करते हैं अच्छा खाना बनाते हैं पर्टिकुलरली डिस्कस के लिए, वो आप यूज़ में लीजिए। उसमें पैलेट भी हो गए, उसके अंदर ब्लड वॉर्म्स भी हो गए, आजकल ब्लड वॉर्म्स जो हैं आपको स्टरलाइज हो करके फ्रोज़न भी मिल सकते हैं, आपको चाहिए तो आप जेल फॉर्म में भी आजकल कुछ कंपनीज बना रही हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लड वॉर्म्स को आप एक स्टेपल फूड मत बनाइए, क्योंकि उसमें बेसिकली क्या है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो एक पैलेट में मिलते हैं। तो किसी अच्छे इंडियन ब्रांड का आप पैलेट बेस्ड या बिट्स बेस्ड आप फूड लीजिए, और वो 100% एक्सेप्ट करेगी फिश आपका, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगी। और हमें, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियंस होने के नाते अभी वो टाइम है, क्योंकि अब पहले तो नहीं बनाते थे, अब अच्छे क्वालिटी का फूड अब अगर अवेलेबल है, तो बीइंग इंडियंस वी शुड ऑलवेज प्रमोट द मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो मैं ये आप सब लोगों से एक सपोर्ट की आशा रखता हूँ। अभी क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो डिस्कस को तो BHM लगता है, GHM लगता है, ये गोट हार्ट मिक्स, चिकन हार्ट मिक्स लगता है, वो लगता है। देखो वही बात है, खाती है, बना सकते हो या कहीं मिलता है खिलाते हो, अच्छी बात है। लेकिन वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है अगेन जो लोग ब्रीड कराना चाहते हैं, वो उस टाइम पे उन लोगों को हाई प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली डिस्कस को रोज़ अगर BHM GHM ये सब खिलाओगे, उसका लीवर फेल हो जाएगा, वो नेचर में इसको BHM GHM थोड़ी मिलता है सर, ठीक है ना, समझने वाली बात है। नेचर में तो ये इंसेक्ट्स ही खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है। तो आप अच्छा ब्लड वॉर्म्स खिलाइए, अच्छे क्वालिटी के खरीद के, आप अच्छे क्वालिटी का इंसेक्ट बेस्ड या फिश बेस्ड आप पैलेट्स खिलाइए। अभी आपका दूसरा जो पार्ट था फीडिंग के बाद डीवॉर्मिंग का था, यस, डीवॉर्मिंग डिस्कस को पीरियोडिकली कराना ज़रूरी है। उसका रीज़न यही है कि ये साउथ अमेरिकन सिक्लिड है, और हर साउथ अमेरिकन सिक्लिड को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स या वॉर्म्स होते ही होते हैं एक टाइम पे आके। तो आप महीने में एक बार इसको 24 आवर्स के लिए भूखा रखिए, और उसके बाद
किसी भी अच्छे ब्रांड का डीवॉर्मर लिक्विड लेके इसको जो भी फीडिंग आप देते हैं उस पर डाल के खिला दीजिए, उससे इनका पीरियोडिकली डीवॉर्मिंग होता रहेगा। वो टाइम का वेट मत कीजिए कि जब इसको आप डिस्कस को वाइट पूप आने लगे, क्योंकि उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पीरियोडिकली डीवॉर्मिंग आप कीजिए और कुछ भी नहीं होता, आराम से रहती है। Now it's time to do the feeding of these eye-pleasing discus fish. तो देखते हैं अभिषेक सर कौन सा फिश फूड इनको खिला रहे हैं। जी सर। सर अभी मैं इनको बबल्स एंड ट्रबल्स एक ब्रांड है उसका फ्रोजन ब्लड वॉर्म्स आते हैं okay. वो मैं इनको फीड कराऊंगा। ये फ्रोजन आते हैं और फ्रीजर में ही रखने पड़ते हैं okay. वहीं स्टोर करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इनको ये खिला के आपको दिखाता हूँ। जी। और जैसा मैंने कहा कि वी शुड सपोर्ट द इंडियन ब्रांड्स, करेक्ट, तो दिस इज वन ऑफ द इंडियन ब्रांड्स, राइट। आई एम नॉट promoting one brand, but I believe this is a good food for them. Great. That's why I'm using and displaying this. Right. And very important, this is sterilized blood worms. जो PNT के gel form वाले भी आते हैं, those are also sterilized and these are also completely sterilized blood worms. ना सिर्फ बाहर से बल्कि in and out sterilized blood worms. तो let's see now. जी, with the help of tweezers आप इन्हें feed कर सकते हो. So have a look at the quality and this is the response of the fishes. ये देखिए सारे कैसे आ गए. So टूट पड़े ये लोग and the worm quality is also wholesome. सर क्या साइज है अभी इनकी? सर अभी इनका साइज तो सर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 inches के आसपास का है। ओके। पर जो डिस्कस कीपर्स हैं जो रखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2.5 to 3 inch का साइज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए डिस्कस क्या है, स्लो ग्रोअर है तो होता क्या है कि साइज अटेन करने में टाइम लगता है। तो ये साइज की फिश आपको थोड़ा हो सकता है एक्सपेंसिव मिले, लेकिन छोटा साइज जैसे मैंने कहा 2.5 to 3 inch या 3.5 inch का आपको लेस एक्सपेंसिव मिलेगी और आप अच्छे से उसको रेज कर पाएंगे। और इसका साइज सर मान के चलिए कि अप टू 8 to 10 inches तक भी पहुंच जाता है। दैट्स व्हाई यू शुड चूज द योर टैंक साइज आल्सो जुडिशियस। तो सर आपके इस डिस्कस फिश टैंक में आपने बड़े अच्छे अच्छे फिश टैंक मेट्स ऐड किए, तो यही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये कि क्या बेहतर अच्छे डिस्कस फिश टैंक्स है या कौन से डिस्कस फिश टैंक्स बन सकते हैं। देखिए सर डिस्कस के टैंक मेट्स बहुत वाइजली हमें चूज करने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि डिस्कस जहाँ से आ रही है आपकी नेचुरली, जैसे मैंने बताया अमेज़ॉन के वो वाले पार्ट, साउथ अमेरिकन पार्ट्स जहाँ पे डिस्कस होती है, वहीं पे देखिए बहुत सारी सिमिलर बिहेवियर वाली भी और आपस में साथ में रहने वाली फिशेस आपको मिलती है। उनमें मैं कुछ एक सेलेक्टिव फिशेस हैं उनका नाम बता देता हूँ जो मैंने इनमें रखी भी हुई है। कुछ वहाँ से नहीं है, कुछ दूसरी जगह से हैं, पर चूंकि वो पीसफुल हैं इसलिए साथ में आराम से रहती हैं। देखिए डिस्कस के साथ नंबर 1 8 to 10 डिस्कस आपस में अच्छे से रहेंगी। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोर हो, कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, सबसे नज़दीकी और सबसे अच्छा ऑप्शन एंजल फिश। एंजल्स आप सिमिलर नेचर शो करती हैं, इनको आप आराम से रख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आते। दूसरा ऑप्शन है आपके जैसे मैंने इसमें रखे हुए एल्बिनो हैकेली, ये जियोफेगस की एक तरह की टाइप है, वेरी सिमिलर, वेरी पीसफुल फिश, कोई किसी को कोई परेशान नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। खाली इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जियोफेगस जो है उसका मुंह बड़ा होता है और वो बहुत क्विकली
जो भी फीड जाएगा उसको बहुत जल्दी पहले खुद खा जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने इतनी सारी डिस्कस में खाली दो ही जियोफेगस रखी है। अगर मैं इन्हीं के बराबर जियोफेगस भी रखता तो शायद इनको फीड नहीं मिल पाता, क्योंकि डिस्कस स्लो ईटर है, ठीक है। देन आप साथ में इनके, जैसे मैंने इसमें चाइनीज़ हाई फिन बैंडेड शार्क रखी हुई है, ये बहुत पीसफुल फिश है, किसी को परेशान नहीं करती, सिमिलर नेचर, पीसफुल नेचर। देन इसमें मैंने एल्बाइनो सेनेगल्स ऐड किए हुए हैं, ये बॉटम ड्वेलर्स हैं, ये बहुत आराम से रहते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारे फिशेज आते हैं, जैसे कि एक मैंने प्लेको रखे हुए है। प्लेको अगेन साउथ अमेरिकन फिश है, आपका हेल्प करेगी टैंक को क्लीन करने में भी, स्केवेंजर है, बचा कुचा कुछ पार्टिकल्स रहता है वो भी खाती रहती है, टैंक क्लीन रहता है। फिर देन आप इसके साथ टेट्राज रख सकते हैं पीसफुल, जैसे कि नियोन टेट्राज, कार्डिनल टेट्राज, रमिनोस टेट्राज रख सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें गोरामीज रख सकते हैं, क्योंकि गोरामीज भी जैसे कि गोरामीज में आप जो पीसफुल गोरामीज हैं, जैसे कि ड्वाफ गोरामीज हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ सेलेक्टेड फिशेस हैं जो कि आप साथ में इनके रख सकते हैं। तो अभिषेक सर, फिर से एक बार, जैसे कि हमने फ्लावर ऑन फिश इन्फो वीडियो बनाया था, तो ये डिस्कस फिश गाइड भी आपने बड़े ही सुंदरता से वीडियो के माध्यम से हमारे सामने पेश करी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड प्रेजेंटिंग दिस फिश डिस्कस फिश गाइड बिफोर अस। एंड मैं ऐसा आशा करता हूँ कि अब वाकई में हमारे जितने भी हॉबीस्ट है, व्यूवर्स है, जो ये देख रहे होंगे या अब तक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उनके मन में कन्फ्यूजन या डाउट होता होगा अबाउट डिस्कस फिश कीपिंग, वो दूर हुआ होगा। एंड दिस इज़ सीरियसली वेरी इजी टू कीप अगर हम प्रॉपरली केयरफुली जो भी आपने पॉइंट्स बताए उसको फॉलो करें, उसके ऊपर चले, तो डेफिनेटली एंड श्योरली डिस्कस फिश रखना आसान है। और क्योंकि आपने आसान भी कर दी है अब सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स को क्लियर करके, तो मैं हमारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कभी आप इस साइड आते हो तो ज़रूर एक्वेरियम प्राइम में एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको डिस्कस फिश चाहिए तो प्लीज़ इनसे आप सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़ा हेल्दी स्टॉक है, और हमने कल के वीडियो में भी देखा था, जो प्रीवियस वीडियो था वहीं पे भी हमने डिस्कस फिश का स्टॉक देखा था। तो आपको फिश तो मिलेगी, बट अभिषेक सर से गाइडेंस भी मिलेगी, जिसके चलते आप प्रॉपरली आपकी फिश को रख सकते हो, ना कि उसे पाल सकते हो बल्कि उसको थ्राइव भी कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। सो वंस अगेन अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो। सो मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आप स्टे ट्यून्ड रहिए, हम ऐसे और इन्फॉर्मेशनल थोड़े से वीडियोस मेरे इस विजिट में प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।